जसविंदर रहमान भाई अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में स्नेव डिज़ाइन बनाने के लिए पेस्टिंग बुकरम हमने दिया है और हार्ड पेपर पर हम ये पत्ते काट के हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 2 इंच है। इस तरह से पेपर के दरमियान में रखते हुए लाइन ड्रा करेंगे। पूरी पेस्टिंग बुकरम पर हम ऐसे ही बनाएंगे। जितनी हमारी स्नेव की लेंथ है इस हिसाब से ये पट्टी फैब्रिक बुकरम हमने लिया है और इस तरह से रखते हुए ड्रा करते जाएंगे। इस वीडियो में स्लीव डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका बताया गया है और बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनाकर दिखाया गया है। इस तरह से ड्रा करने के बाद अब हम लाइन के ऊपर कटिंग करेंगे दोनों साइडों से। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इजीली ये डिज़ाइन घर में बना सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती तो आप ये डिज़ाइन अपनी टेलर से बनवा सकते हैं। इस तरह से देखकर ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है। दोनों साइडों पर इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसको स्लीव के दरमियान में लगाएंगे। इस तरह से बाजू के दरमियान में ये कटिंग की हुई पट्टी लगा देंगे और दरमियान में फैब्रिक कटिंग करेंगे। फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब हम दूसरे कलर से पाइपिंग करेंगे। इस तरह से किनारे के साथ रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पकड़कर सिलाई लगाते जाएंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सी वीडियो स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और पांचा डिज़ाइन के बारे में अपलोड की हैं। इसके अलावा बेबी ड्रेस डिज़ाइन के बारे में बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं और कंप्यूटर मशीन चलाने का मुकम्मल तरीका बताया है कि यह कैसे चलती है और क्या क्या काम करती है। कंप्यूटर मशीन से डिफरेंट स्टाइल वाइज नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताया है। इसके अलावा दुपट्टा भी कोवरला काज करने का तरीका बताया है और कंप्यूटर मशीन से हैंड फ्री एम्ब्रॉयडरी बनाने का तरीका बताया है। एक साइड पर लगाने के बाद ऐसे ही हम दूसरी साइड पर लगाएंगे। किनारे के साथ साथ ये पाइपिंग रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे कट पर हम ऐसे ही लगाएंगे। मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद दरमियान में छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि ये आसानी से सीधी हो जाए। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से जितनी पाइपिंग हमने बनानी है इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़कर फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें। जैसे ही आपने कोई सूट सिलाई करना हो तो फ़ौरन से देख कर जो डिज़ाइन बना सकते हैं। बेशक कम कीमत वाला कपड़ा लेकर अगर आप उस पर डिज़ाइनिंग अच्छी करेंगे, स्लीव डिज़ाइन अच्छा बना लेंगे या फिर दामन डिज़ाइन या फिर नेक डिज़ाइन या पांचा डिज़ाइन अच्छा बना लेंगे तो आपका सूट बहुत ही कीमती हो जाएगा। इस तरह के ड्रेसेस आप ईद के लिए बना सकते हैं या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह मुकम्मल पाइपिंग बनाने के बाद अब हम बारीक डोरी लेंगे जो भी कपड़े की हमने बनाई है। इस तरह से इसको कट करेंगे। पूरे पीस एक ही साइज में कट करेंगे। कट करने के बाद इस तरह से पूरी डोरी इस तरह से पकड़कर दरमियान से सिलाई करेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम दरमियान में इस कलर के फैब्रिक से इस तरह से सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे और इस तरह से सिलाई काट देंगे। ये पूरी डोरी है हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। इस तरह से पूरी डोरी है
सिलाई करने के बाद ये काट के दरमियान में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और मज़ीद आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूवर्स के लिए और भी न्यू न्यू डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करते रहें। इस तरह से ये सारी डोरियाँ हम सिलाई करेंगे। मुकम्मल सिलाई करने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पर इस तरह से पाइपिंग करेंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद नीचे वाली साइड पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह पाइपिंग करने के बाद अब हम दो कलर के ये फैब्रिक पीस लेंगे और सिलाई लगाकर इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब नीचे वाली साइड पर इस तरह से ये कपड़ा मोड़ देंगे कि नीचे वाला कपड़ा थोड़ा सा नज़र आए, इसकी किनारी नज़र आनी चाहिए, और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके फ्रिल बनाएंगे, इस तरह से परेड डालते हुए इसकी फ्रिल बनाएंगे। मुकम्मल फ्रिल बनाने के बाद अब हम इसको स्लीव पर लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए फ्रिल को नीचे दबाकर पाइपिंग के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा दें। अब हम दरमियान में इस तरह से बटन लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत ये स्लीव डिज़ाइन तैयार हो गया है। इस तरह से देखें।